कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी पर नई दिल्ली के एक व्यक्ति द्वारा फेसबुक पर अमर्यादित अश्लील टिप्पणी किए जाने पर आक्रोशित यूथ कांग्रेस गोरखपुर के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को प्रदेश सचिव बादल चतुर्वेदी एवं जिला अध्यक्ष इंजीनियर अभिजीत पाठक के नेतृत्व में कैंट थाना गोरखपुर में मुकदमा दर्ज करने एवं उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग किया। इस दौरान प्रदेश कार्य समिति सदस्य महेंद्र मोहन तिवारी, राजेंद्र यादव, प्रवीण पासवान, सुमित पांडे, अमित शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष ओझा सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए यूथ कांग्रेस उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव बादल चतुर्वेदी ने कहा, हाँ भैया, तो हम बिना वर्दी में मिलेंगे तो उन लोगों का काम कैसे बनेगा? अरे ये सब चीज़ को प्रकाशित करना आप देखिए सर, आप जी साहब आप भी कांग्रेसी हो गए तो उसमें लगाए श्री प्रियंका गांधी जी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी अश्लील अश्लील बातों की जिक्र किया है जो फेसबुक में आप इसको पूरी जो है प्रतिलिपि जो है सामने उनके आईडी से ये लिखा हुआ है कि वो लीडर और एक सनातन महर्षि संत कल्याण समर्पित ये जो है सेवा संस्थान न्यू दिल्ली के डिटेल इनकी पूरी है। ये कहाँ के हैं? न्यू दिल्ली में इनका निवास स्थान बलरामपुर रहने वाले वर्तमान दिखारा न्यू दिल्ली में फेसबुक पे कमेंट। बादल चतुर्वेदी, प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस उत्तर प्रदेश। आज हम यूथ कांग्रेस के साथी हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रियंका गांधी के ऊपर रमा राम सूरज शुक्ला नामक व्यक्ति के द्वारा अमर्यादित टिप्पणी की गई है जिसको यूथ कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम आज यूथ कांग्रेस के साथी कैंट थाना में आए थे और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है और ये भी कार्रवाई करने की मांग की है कि इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए जिससे यूथ कांग्रेस बहुत आहत है। मैं बताना चाहता हूँ यूथ कांग्रेस के साथी अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन के लिए बात होंगे जिनकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।